हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। ये आपका एसएसटी का फर्स्ट लेसन है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें आज हम देखेंगे एस्टेरॉयड, मेट्रॉयड एंड गैलेक्सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या है? एस्टेरॉयड छोटा तारा। हम देखते हैं आसमान में बहुत से तारे हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो इस रूप में होते हैं एस्टेरॉयड, यानी छोटे तारे। इसको देखें, एस्टेरॉयड आर रॉकी वर्ल्ड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन दैट आर टू स्मॉल टू कॉल प्लेनेट्स। एस्टेरॉयड जो है ये रॉकी से इनका निर्माण होता है, और ये इतने छोटे हैं कि इन्हें हम प्लेनेट के रूप में नहीं ले सकते, यानी इनका अस्तित्व ये जो है प्लेनेट के रूप में नहीं है। सो इट इज कॉल्ड माइनर प्लेनेट्स, और इसीलिए इनको माइनर प्लेनेट का दर्जा प्राप्त है। इनको हम फुली माइनर प्लेनेट, मतलब इनको हम जो है प्लेनेट नहीं कह सकते। देर आर मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स इन द स्काई, और हमारी स्काई में मिलियंस एस्टेरॉइड। नेक्स्ट है मेटेराइड, उनका पेड़, ये भी इसी प्रकार से है। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteorite। और ये भी रॉकी से इनका निर्माण हुआ है, और ये भी हमारे मतलब सूर्य का ये भी जो है प्लेनेट की तरह राउंड करते हैं। नेक्स्ट आकाश गंगा, गैलेक्सी। डू यू सी व्हाइट ब्रॉड बैंड, क्या आपने व्हाइट यानी सफेद जैसा ब्रॉड बैंड देखा है? लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। क्या आप लोगों ने कभी जब नाइट होती है तो उसमें आप लोग स्टार देखते हैं, तो क्या उसमें आपने एक ऐसा देखा है कि बहुत उजाला हुआ हो एक जो है पार्टिकुलर मतलब फील्ड में इन द स्काई में? तो आइए, इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। और यही क्या होता है कि इसमें बहुत मिलियन स्टार होते हैं, इसी को आकाश गंगा कहते हैं, और ये इसमें बहुत ही ब्राइट होता है। Our solar system is a part of this galaxy। और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी का एक जो है पार्ट है। It was amazing to be a river of light। और इसको कभी ये कल्पना की जाती थी, जब हमारा विज्ञान इतना आगे नहीं था, हमारा साइंस इतना आगे नहीं था, तो हमारे पूर्वज ये जो है कल्पना करते थे कि ये एक ऐसी नदी के रूप में है कि जब लाइट को जो है प्रदान कर रही है फ्लोइंग इन द स्काई, क्योंकि एक ऐसी नदी है जो कि लाइट को लेकर के बह रही है, उसमें से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है। दस इट वॉज नेम आकाश गंगा, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया। वो मतलब उसके ऊपर कि जो हमारी एक नदी है गंगा, उसी के ऊपर इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और जो हमारी गैलेक्सी है इसका निर्माण किससे हुआ है? बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। We'll meet in the next one.